राजस्थान में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा के जगपुरा में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। झालावाड़ जिले में 4 जगह बिजली गिरने से झुलसे 4 लोगों की मौत हो गई है। 20 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने सितंबर में औसत से 109% ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, सीकर, चुरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, जालौर जिले में बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगने वाले बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के ऊपर एक लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान में भी बारिश हो रही है। झालावाड़ जिले में 10 सितंबर की देर शाम बिजली गिरने से असनावर, मनोहर थाना, बाघेर और चूना भाटी में एक एक व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हो गई। प्रदेश में पिछले 10 दिन से कमजोर पड़ा मानसून का बरसाती सिस्टम शनिवार को फिर से एक्टिव होने लगा है। 10 सितंबर को जयपुर में शाम 4 बजे के बाद मौसम में बदलाव आया और तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ है। टोंक, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में कई जगहों पर बरसात हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक बांसवाड़ा के जगपुरा में सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोटा के सांगोद में 50 मिलीमीटर, झालवाड़ा में अकलेरा में 50 मिलीमीटर, डूंगरपुर के बेजा में 40 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ के पीपल खंटू में 40, उदयपुर के सरारा में 30 मिलीमीटर, करौली के नादौती में 30 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।